9वीं तारीख पर सोमवार देर रात मुस्लिम समाज ने कुरान पढ़कर हजरत इमाम हुसैन को याद किया और ताजियों का जुलूस निकाला। वहीं सरकारी ताजिया मंगलवार को करबला मैदान पहुंचेगा। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली व सरकारी ताजिया इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष इनायत हुसैन कुरैशी फातिहा पढ़ने के बाद हरी झंडी दिखाकर सरकारी ताजिए को इमामवाड़ा से रवाना किया। सरकारी ताजिया राजवाड़ा, खजूरी बाजार, शीतला माता बाजार, नरसिंह बाजार, जवाहर मार्ग, यशवंत रोड होते हुए रात को अपने मुकाम पर पहुंचा। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस का भारी बल भी इन मार्गों पर तैनात रहा। वहीं दूसरी ओर मुहर्रम की 10 तारीख यानी मंगलवार को योमे आशुरा की नमाज अदा की जाएगी और मुस्लिम समाज के लोग रोजा भी रखेंगे। सेंधवा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सेंधवा राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन व नगरपालिका प्रशासन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश में हर घर तिरंगा अभियान की अलग घर घर जगाने के लिए आज शहर के प्रमुख मार्गों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सभी अधिकारी कर्मचारी बाइक पर तिरंगा लगाकर आमजन घर पर तिरंगा लगाने की अपील करते नजर आए। वहीं बाइक रैली में सेंधवा अनुविभागीय अधिकारी तपस्या परिहार मोटरसाइकिल पर चलते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। रैली का समापन सेंधवा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय परिसर में किया गया। इंदौर एरोड्रोम थाना क्षेत्र में रहने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के घर पर चोरों का धावा बोलकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल चोरों ने बारिश का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर में रखे सोने और चांदी की जेवरातों के अलावा नकदी और कई अन्य सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। यही नहीं, चोरों ने घर के फ्रिज में रखे फल फ्रूट भी चुरा लिए। पूरी चोरी के दौरान व्यापारी का परिवार आराम से सोता रहा और चोर अपना काम खत्म कर आराम से रवाना भी हो गए। सुबह उठने पर चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल व्यापारी की शिकायत पर एरोड्रोम थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र के खंडवा रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट की घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। कंटेनर की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मामला इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र के खंडवा रोड का है, जहां मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार कंटेनर ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया और वो कंटेनर के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान खंडवा निवासी विशाल तिवारी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर तिलकनगर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को अस्पताल भिजवाया है। वहीं कंटेनर को जब्त कर उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है।